प्रधानमंत्री मोदी आज 85,000 कोटी अधिक मूल्यर विभिन्न रेल प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सहित लोकार्पण करिछन्ते। एथिमध्यरे रहिछि देशकु 10टी नुआ वंदे भारत भेटी ओडिशा को मिलला तृतीय वंदे भारत। विशाखापट्टनम रु भुवनेश्वर को गड़िला ट्रेन। एही अवसर रे प्रधानमंत्री ओडिशा रे 274 रेल प्रकल्प पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछन्ते। तेबे आसंतु नजर पकाइबा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एही अवसर रे कोन कहिछन्ते। विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए आज 85,000 करोड़ रुपए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2,500 से ज्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशन की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।